आज मेरा लॉस सैंटोस नेवी के अंदर जॉब का पहला दिन हो रहा है गाइस। लगता है कि मैं जॉब के पहला दिन ही लेट हो गया हूँ। फटाफट से टाइम देखता हूँ, अभी तो 7:40 हो रहे हैं और मेरी जॉब स्टार्ट होती है 8:00। फटाफट से मोटरबाइक निकाल के नेवी के हेडक्वार्टर्स जाता हूँ। मगर वेट यार गाइस, मोटरबाइक तो यहाँ पर है ही नहीं। रात को तो मैंने अपनी मोटरबाइक को यहीं पे पार्क किया था, तो फिर ये गई किधर? कहीं सिंचन और चौप ने मेरी मोटरबाइक को सेल तो नहीं कर दिया? फटाफट से मुझे इन लोग से पूछना होगा, तुम दोनों ने मेरी मोटरबाइक को देखा है क्या? अरे हाँ, मैं कौन सी मोटरबाइक? अबे सिंचन, मेरी अपनी मोटरबाइक में जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, बता किधर है मेरी मोटरबाइक? अरे हाँ मैं, लेकिन हम लोग तो आपकी मोटरबाइक को देखा ही नहीं है। चौप, तूने मेरी मोटरबाइक को देखा है क्या? आपने वो जो सामने मोटरबाइक खड़ी है, आप उसकी बात कर रहे हो क्या यार? अबे हाँ यार चौप, यही तो है मेरी मोटरबाइक। लेकिन आप लॉस सैंटोस नेवी के कमांडर कब बनोगे? नेवी का कमांडर मेरे ख्याल से सिंचन में आज बन जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे फौरन से पहले नेवी के हेडक्वार्टर्स पहुंचना है। अरे मैं बहुत भूख लग रही, आते हुए खाने के लिए कुछ लिया ना यार? अच्छा ठीक है चौप, आते हुए कोई पिज्जा या फिर बर्गर ले आऊंगा। लगता है कि आज मैं काफी ज्यादा लेट होने वाला हूँ। बट यार गाइस, मेरे पास ये वाली डर्ट बाइक है, तो हम लोग फौरन से पहले नेवी के हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। लेकिन लास्ट वाले वीडियो का आप लोगों ने देखा होगा कि यार गाइस, नेवी का हेडक्वार्टर बिल्कुल पानी के बीच में है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बोट भी चाहिए होगी। और अभी बोट का तो मैंने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया यार गाइस, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक मोटर बाइक है। मगर वेट यार गाइस, हेडक्वार्टर से कॉल आ रही है। हां ठीक, कहां पर हो तुम? सर मैं रास्ते में हूं, बस पहुंच रहा हूं। टाइम देखा है तुमने? जी सर, 8:00 में अभी है ना, 5-10। हां मेटी, तुम्हें जॉब पे आधा घंटा पहले आना होगा। लेकिन सर जॉब का टाइम तो 8:00 है ना। मुझसे सवाल मत करो, जल्दी पहुंचो यहां पर। अच्छा ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, लेकिन वो एक दिक्कत है। अभी क्या हुआ? सर वो बात ये है ना कि मेरे पास बोट तो है नहीं और आप लोग का हेडक्वार्टर तो पानी के बीच में है, तो आप एक काम करो कि डॉक के बिल्कुल सामने एक बोट खड़ी कर दो, मैं फौरन से पहले वो वाली बोट लेके हेडक्वार्टर पहुंचाऊंगा। हाँ मेटी, बोट वहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हुई है, बहाने मत करो, जल्दी पहुंचो। अच्छा बोट खड़ी हुई है सर, फिर तो मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। बोट का बंदोबस्त तो यार गाइस नेवी वालों ने ऑलरेडी मेरे लिए करके रखा है, लेकिन अभी मैं नेवी का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नेवी का कमांडो या फिर कमांडर या फिर मेजर जनरल वगैरह बन जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि इतना जल्दी प्रमोशन तो होगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कमांडर लेवल तक जा सकता हूँ। क्योंकि जब मैं स्पेशल फोर्सेस के अंदर था, तो तब मैं पूरे के पूरे मिलिट्री बेस का कमांडर हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने नेवी ज्वाइन की है, मुझे जॉब मिली है सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर की। और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने जनरल से बात करूँ और उसको बोलूँ कि मेरा प्रमोशन कर दे, क्योंकि यार गाइस सोल्जर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है, काम सोल्जर का बहुत ज्यादा होता है। कल मुझे लॉस सैंटोस नेवी ने एक टास्क दिया था यार गाइस, इन लोग की एक बहुत ही बड़ी बैटलशिप के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया था, और मैंने लॉस सैंटोस नेवी को इनकी काफी ज्यादा बड़ी बैटलशिप वापस की थी, और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ जनरल ने कॉल करके मुझे अप्रिशिएट किया था। बट यार गाइस, मुझे अभी प्रमोशन चाहिए और मैं कुछ भी करके आज नेवी का जनरल या फिर जनरल तो नहीं बनूंगा, खैर कमांडर बन सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लॉस सैंटोस डॉक के अंदर पहुंचना होगा। और डॉक का रास्ता तो बिल्कुल सामने है यार गाइस, बिल्कुल सामने मुझे सी पोर्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे बोट मिलेगी, जो बोट मुझे लेके जाएगी सीधा नेवी के हेडक्वार्टर्स पर। अभी यहाँ से शॉर्टकट तो नहीं मार सकता हूँ, हम लोग की बोट खड़ी होगी बिल्कुल सामने की तरफ, और वहां तक जाने के लिए मुझे ये वाला ब्रिज यूज करना है, और फिर बड़ी वाली कार्गो शिप के पास जाऊंगा तो वहां पे मुझे बोट मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ, फटाफट से टाइम देखता हूँ, 8:30 यार गाइस, मेरा टाइम था 8:00 का, आधा घंटा लेट हो गया हूँ। और जब तक नेवी के हेडक्वार्टर तक पहुंचूंगा, तब तक मुझे 9 तो बज जाएंगे। जनरल आज मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करने वाला है, इतनी मुश्किल से तो यार गाइस मैं लॉस सैंटोस नेवी के अंदर भर्ती हुआ हूँ। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा यार गाइस, लॉस सैंटोस नेवी के टास्क कितने ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन मैंने सारे के सारे टास्क को कंप्लीट किया और मैं लॉस सैंटोस नेवी के अंदर तो आ गया हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि यार गाइस, मैं पहले दिन ही लेट हो गया हूँ, अभी फटाफट से मुझे यहाँ पे बोट ढूंढनी होगी, बल्कि बोट ढूंढनी नहीं होगी यार गाइस, मैंने जनरल को बोला था और उसने मुझे कहा है कि यहाँ पे बोट खड़ी होगी, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई भी बोट एक दिख रही है, मुझे एक बोट पीछे खड़ी है। मेरे ख्याल से नेवी वालों ने मेरे लिए यही बोट भेजी है। हाँ यार गाइस, सामने एक सोल्जर भी खड़ा हुआ है, मगर ये काफी ज्यादा अजीबोगरीब लग रहा है। मगर अभी ये जैसा भी है यार गाइस, हम लोग को तो बोट चाहिए। अबे जल्दी से अंदर बैठो, नहीं तो छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ मेटी, तुम्हारा आज जॉब का पहला दिन है और पहले दिन ही तुम लेट हो गए। हाँ मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन जनरल गुस्से में तो नहीं है ना? बहुत ज्यादा गुस्से में। हाँ मेटी, नेवी के अंदर टाइम पे पहुंचना होता है। मुझे पता है टाइम पे पहुंचना होता है, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ और 1 सेकंड मैंने अपनी मोटरबाइक को लॉक नहीं किया। फिक्र मत करो आमेटी, ये सी पोर्ट भी हम लोग का ही है। क्या बात कर रहे हो, लॉस सैंटोस नेवी का है क्या? ये हम लोग की एक सीक्रेट बेस है, किसी को बताना मत। अच्छा ठीक है, मैं क्यों किसी को बताऊंगा? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और जनरल ऑलरेडी मुझे बातें सुनाएगा, अभी तुम तो चुप कर जाओ। लेकिन मैंने तुम्हारा आधा घंटा वेट किया था, अब अगर तुमने वेट किया तो मैं क्या करूँ, मेरे पास बोट नहीं है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स हैं, हम लोग को ऑफिस की बोट लेने के लिए आती है। लेकिन अगर मैं कमांडर बन गया तो मुझे अपनी पर्सनल बोट मिलेगी क्या? हाँ मेटी, वो क्या है ना कि
कि अभी ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि अभी तुम्हारी जनरल से बेइज्जती होने वाली है। हाँ मुझे पता है जनरल आज मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करेगा, लेकिन तुम मुझे बताओ अगर मैं कमांडर बन गया तो फिर क्या मुझे अपनी पर्सनल बोट मिलेगी? अगर जिंदगी में कभी तुम कमांडर बन गए तो तुम्हें पर्सनल बोट या पर्सनल हेलीकॉप्टर भी मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सच में? और सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं तुम्हें जेट भी मिलेगा। अबे क्या बात कर रहे हो वाकई में? हाँ अमेठी मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन अभी बेइज्जती करवाने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तुम्हारे साथ चलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम बोलते हो तो चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है मेरे साथ आओ, और एक काम करो जनरल को बोलना कि रास्ते में हम लोग की बोट खराब हो गई थी इसलिए हम लोग लेट हो गए। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अबे बोल दो ना, आज तुम मेरे काम में होगे, कल मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। अबे प्लीज बोल दो, नहीं तो जनरल मुझे जॉब से निकाल देगा, तुम्हें पता है आज मेरा जॉब का पहला दिन है। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हारा साथ दे दूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो तुम भी मेरा साथ दोगे? हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी फौरन से पहले मुझे ग्राउंड फ्लोर पर जाना है जहाँ पे ढेर सारे रनवे और फाइटर जेट्स खड़े होते हैं। मगर रास्ता कौन सा है यार गाइस, ये तो रास्ता है ही नहीं। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए हम लोग को सामने वाला रास्ता चूज करना होगा। अभी तक मैंने पूरा का पूरा नेवी हेडक्वार्टर्स घूमा नहीं है, लेकिन अगर जब हम लोग के पास टाइम होगा तो हम लोग पूरा का पूरा घूम लेंगे। और मुझे पता है कि नेवी का हेडक्वार्टर काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, बट अभी हम लोग को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। एक सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे और सामने पहुंच गए ग्राउंड फ्लोर। मगर यहाँ पर तो दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर जनरल किधर है? अबे यार गाइस अभी जनरल को कहाँ पे ढूंढूंगा, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ शांति है यार गाइस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जनरल मुझे कॉल तो काफी ज्यादा कर रहा था, मुझे लगा था कि कोई ना कोई इमरजेंसी होगी, बट नहीं यार गाइस यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ कि नेवी का हेडक्वार्टर पूरा का पूरा घूम ही लेता हूँ। और यहाँ पर दो बंदे भी खड़े हुए हैं, जनरल साहब किधर है? जनरल साहब ऊपर अपने ऑफिस में। अच्छा ऑफिस का रास्ता किधर से है? अबे तुम कौन हो? मैं लॉस सैंटोस नेवी का सोल्जर हूँ। तो तुम्हें जनरल साहब के ऑफिस का नहीं पता क्या? नहीं वो क्या है ना कि आज मेरा पहला दिन है तो मुझे पता नहीं है। ठीक है सामने सीढ़ियां पकड़ के ऊपर जाओ। अच्छा ठीक है जाता हूँ मैं। मुझे इस बंदे ने बोला है कि ये वाली सीढ़ियां पकड़ के मुझे ऊपर जाना है। नेवी का हेडक्वार्टर गाइस काफी ज्यादा ओपी है, हम लोगों ने मिलिट्री बेस तो देखा है पूरा का पूरा देख के रखा है, लेकिन नेवी हेडक्वार्टर अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। और वेट यार गाइस ये मैं कहां पे आ गया हूं? यहां पे क्या चीज है? सामने एक जनरेटर है और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा रास्ता है तो सही, बट यार गाइस ओपी है, काफी ज्यादा ओपी है। और ये पूरा का पूरा नेवी का हेडक्वार्टर है, मगर नीचे किधर जा रहा हूँ? वापस से ऊपर जाना है मुझे। और यहाँ कहीं पे तो दूर दूर तक कोई भी रूम दिखाई नहीं दे रहा है। काम करता हूँ कि सीढ़ियां पकड़ता हूँ, और मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। मगर एक सेकंड यार गाइस, ये इतना बड़ा इन लोग का कंट्रोल रूम है क्या? ओपी है, काफी ज्यादा ओपी है। और यहाँ पर ये इन लोग का मैप है, और साथ में ये भी मैप है, साथ में ढेर सारे टीवीज भी लगी हुई है। बट मुझे अभी जनरल को ढूंढना है। जनरल साहब किधर हो आप? एक सेकंड यार गाइस, ये रहा मिल गया मुझे। सर मैं आ गया हूँ। तो कौन सा एहसान कर दिया तुमने, आके टाइम देख रहे हो तुम? नहीं सर टाइम तो नहीं देखा है। अबे नहीं यार गाइस 11 बज गए। देखा टाइम तुमने आमिटी? जी सर टाइम देखा है, थोड़ा सा लेट हो गया हूं। तुम इसको थोड़ा सा लेट बोलते हो? अच्छा ठीक है सर, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए ये लोग? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे पहले उस बात का जवाब दो। सर वो क्या है ना कि जो बोट आपने मुझे लेने के लिए भेजी थी वो रास्ते में खराब हो गई थी, और उसी को ठीक करते करते टाइम लग गया। लॉस सैंटोस नेवी की बोट कैसे खराब हो गई? अभी सर ये तो मुझे नहीं पता, बोट है कभी भी खराब हो सकती है। हाँ मेटी सिर्फ बोट नहीं, वो लॉस सैंटोस नेवी की बोट है, कभी भी खराब नहीं हो सकती। अभी सर खराब हो गई तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, वैसे भी थोड़ा सा ही लेट हुआ हूं। पूरे के पूरे 3 घंटे लेट हो और बोल रहे हो कि थोड़ा सा लेट हूं। अच्छा ठीक है सर, अभी बताओ कि कोई टास्क था क्या? लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक होने वाले है और तुम यहाँ पे 3 घंटे लेट आ रहे हो। अबे यार गाइस इतनी बेइज्जती कर रहा है, क्या करूं इसको? लेकिन सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर हूँ ना, आप मुझसे काम इतने ज्यादा लेते हो। कल मैंने आप लोग को इतनी बड़ी बैटलशिप वापस की है, बदले में आपने मुझे कुछ दिया क्या? लॉस सैंटोस नेवी को सर्व करने के लिए बदले में तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं बदले में मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन सर अभी एक दिन लेट हो गया हूं, तो इतनी ज्यादा बातें क्यों सुना रहे हो? अगर तो कल तुमने हम लोग को हमारी बैटलशिप वापस नहीं की होती तो मैं तुम्हें आज ही नौकरी से फारिग कर देता। अच्छा ठीक है सर, लेकिन मैंने कल आपको शिप वापस की है ना, अभी मुझे बताओ कि हुआ क्या है? लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की जा रही है, और ये सारी की सारी प्लानिंग जर्मन्स कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, जर्मनी वाले यहाँ पर आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ बेटी जर्मन्स यहाँ पर आ रहे हैं, और तुम्हें किसी भी सूरत उन लोगों की बैटलशिप्स को रोकना होगा। जर्मनी की बैटलशिप्स लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही हैं? तुमने बिल्कुल सही सुना बेटी, लेकिन सर ये काम तो स्पेशल फोर्सेस वाले कर सकते हैं। तुम शायद भूल रहे हो कि हम लोग नेवी वाले हैं, और पूरे के पूरे पानी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की है। अच्छा ठीक है सर, हम लोग उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं ना? मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, जल्दी से बोट पकड़ो और जर्मन बैटलशिप को रोको। अच्छा ठीक है सर मैं चलता हूँ। लेकिन तुम्हें टीम नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं सर मुझे
मुझे टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही देख लूंगा। लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है लॉस सैंटोस के अंदर कितनी बैटरशिप्स आ रही हैं? अभी सर ये तो आप मुझे बताओगे तो पता चलेगा। 3 बैटरशिप्स आ रही हैं आमिटी, 3 जर्मन की बैटरशिप्स आ रही हैं और वो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, साथ में हम लोग का ये हेडक्वार्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी करके उन तीनों के तीनों बोट्स को रोकना है और जर्मन आर्मी के जनरल को तुम मेरे पास लेकर आओगे। जर्मन आर्मी का जनरल हिटलर की बात कर रहे हो क्या? हाँ बेटी, हिटलर तो World War II के टाइम का था, अभी पता नहीं जर्मन आर्मी का जनरल कौन है, लेकिन जो भी है तुम उसको मेरे पास लेकर आओ। ठीक है सर, मैं बस यूं गया और यूं आया। टास्क तो यार गाइस इन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा खतरनाक दे दिया और ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक होने वाला है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यार गाइस जर्मन को लॉस सैंटोस से क्या दिक्कत है। जर्मन की बैटलशिप की लोकेशन तो मेरे पास आ चुकी है, बट यार गाइस अभी मैं वहां तक जाऊंगा किस तरह? एक काम करता हूँ कि बोट को लेके निकलता हूँ, क्योंकि यार गाइस अगर तो मैं फाइटर जेट लेके गया तो जर्मन मेरे फाइटर जेट को हवा में गिरा देंगे और मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे अभी बोट को चूज करना होगा। बट यार गाइस देख तो यहाँ पे कोई बोट भी तो नहीं है, लगता है कि मुझे अपनी वो ब्लैक वाली बोट को ही लेके जाना होगा। यार गाइस साइज में छोटी है लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज है और मुझे लगता है कि अभी मुझे उसी वाली बोट को लेके जाना है। मेरे साथ एक और सोल्जर भी था यार गाइस, वो पता नहीं किधर है और ये रास्ता किधर जाता है। एक सेकंड यार गाइस, यहाँ पे तो इतने ज्यादा फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको। और मेरे ख्याल से तो ये सारे के सारे फाइटर जेट्स यहाँ से टेक ऑफ करते होंगे, मगर नहीं 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 यार गाइस अभी मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे जो आप लोग ये वाली रोप्स देख रहे हो ना यार गाइस, ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाती हैं और फिर ये नीचे वाले फाइटर जेट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर बड़े वाले रनवे से ये लोग टेक ऑफ करते होंगे। समझ गया यार गाइस, नेवी का हेडक्वार्टर काफी ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मेरी बोट किधर है, मुझे अपनी बोट को ढूंढना है। एक काम करता हूँ कि ये वाला रास्ता लेके जाता हूँ और एक सेकेंड, ये तो बंद है, मगर वेट यार गाइस यहाँ पे दोबारा से फाइटर जेट्स आ चुके हैं। ये तो वही जगह है जहाँ से मैं एंटर हुआ था। एक तो यार गाइस ये नेवी का हेडक्वार्टर है इतना बड़ा, मैं रास्ते ही भूल जाता हूँ, अभी पता नहीं मैं आया किधर से था, यहाँ पे तो काफी ज्यादा दरवाजे हैं। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, और ये तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, पता नहीं यहाँ पे क्या ही सीन है और मैं कहाँ से आया था, रास्ता ही भटक गया हूँ। इतना बड़ा हेडक्वार्टर है यार गाइस, किसी दिन टाइम निकाल के मैं पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को घूमूंगा, उसके बाद मुझे सारे के सारे रास्ते याद हो जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से यही रास्ता है, हाँ यार गाइस यही रास्ता है जहाँ से मैं आया था, मगर दरवाजे पर इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि जब भी मैं नेवी के हेडक्वार्टर आता हूँ तो इमरजेंसी एग्जिट लेकर आता हूँ। अबे यार गाइस अभी रास्ते नहीं पता तो ऐसा ही होगा। हाँ भाई तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, जनरल साहब ने कुछ बोला तो नहीं? इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है कि क्या बताऊँ तुम्हें, फटाफट से बोट को निकालो। बोट मैं चलाऊंगा या फिर तुम? अभी तुम रहने दो, बोट को मैं ही चला लेता हूँ। अबे तुम मेरे साथ आ रहे हो या फिर नहीं? मैं तुम्हारे साथ आना तो चाहता हूँ लेकिन तुम रुक ही नहीं रहे। रुका हुआ, जल्दी से आके बैठ जाओ अंदर और मुझे ये बताओ कि ये जर्मन्स लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक क्यों करना चाहते हैं? क्या बोला तुमने, जर्मन्स लॉस सैंटोस के अंदर आ गए हैं क्या? एक सेकंड रुको, दोबारा जनरल की कॉल आ गई। हाँ बेटी किधर हो तुम? सर मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर जा रहा हूँ, जल्दी से हम लोग के हेडक्वार्टर वापस आओ। लेकिन सर मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर जा रहा हूँ, बस पहुँच जाऊंगा 2 मिनट में। हाँ बेटी मैंने बोला है कि हमारे हेडक्वार्टर में वापस आओ। अच्छा ठीक है सर, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हाँ बेटी, जर्मन्स की बैटलशिप बिल्कुल हम लोग के नेवी के हेडक्वार्टर के सामने खड़ी है। नेवी के हेडक्वार्टर के सामने? अभी एक सेकेंड, तुम्हें दिखाई दिया क्या आमिटी? जी सर मुझे दिखाई दे गया और बिल्कुल सही से दिखाई दे गया है, सामने 3 बड़ी बड़ी बैटरशिप्स हैं। मुझे अपडेट दो आमिटी, साइज में कितनी बड़ी है? सर एक सेकेंड आप कैमरा ऑन करो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ आमिटी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इनके आगे तो तोप भी लगी हुई है और सर यहाँ पे साथ में हिटलर का लोगो भी लगा हुआ है, ये तो World War II वाली शिप्स हैं। हम लोग को कुछ भी करके इन वाली शिप्स को रोकना होगा, नहीं तो ये लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन सर फिर क्या ऑर्डर है, मैं जाऊँ क्या अकेला? नहीं आमिटी अकेले कैसे जाओगे, मर जाओगे। लेकिन सर मेरी ट्रेनिंग है, मैंने स्पेशल फोर्सेस में काम किया हुआ है, मुझे लगता है कि मैं इन तीनों के तीनों बोट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। आमिटी तुमसे नहीं होगा, फौरन से पहले नेवी हेडक्वार्टर्स वापस आओ, इस मिशन के लिए मुझे किसी कमांडर को भेजना होगा। ठीक है सर आप कमांडर से बात करो, लेकिन मेरे ख्याल से आपका कमांडर भी इस वाले मिशन पे अकेला नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं अकेला जा सकता हूँ। मेरी कॉल का वेट करो। ठीक है सर मैं वेट करता हूँ। सामने की तरफ तो यार गाइस काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बैटलशिप्स हैं, अभी इनके पास जाऊँ क्या? अरे बोट को वापस लो, मरवाओगे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है वापस लेता हूँ। लेकिन यार गाइस ये वाली बैटलशिप्स काफी ज्यादा बड़ी हैं और ये जर्मन्स की हैं, मगर जर्मनी वाले लॉस सैंटोस के अंदर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हैं? सामने हम लोग का नेवी का हेडक्वार्टर है और इस तरफ जर्मनी की बड़ी बड़ी बोट्स हैं, मुझे कुछ भी करके इनको डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन यार गाइस ये काम वाकई में मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये काम अकेले कर दिया तो फिर यार गाइस मैं बनने वाला हूँ लॉस सैंटोस नेवी का कमांडर। तो मैं अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, पागल हो? नहीं
नहीं मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉस सैंटोस को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और अभी बस मुझे जनरल के ऑर्डर्स का वेट करने आ गया। तो मुझे जनरल ने ऑर्डर दिया कि बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करो, फिर कुछ भी करके मैं इन वाली बैटलशिप्स को तो डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। और एक सेकंड कॉल आ गई। हाँ बेटी, नेवी हेडक्वार्टर्स वापस आओ। लेकिन सर मैं मिशन पे जाना चाहता हूँ, वो भी अकेले। ठीक है हाँ बेटी, चले जाना, लेकिन पहले नेवी हेडक्वार्टर्स वापस आओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। जनरल साहब ने क्या बोला? जनरल साहब ने बोला कि हेडक्वार्टर्स वापस आओ। अभी पता नहीं इन लोग को डर लग रहा है या फिर क्या मसला है, हम लोग के ऊपर जर्मन अटैक कर रहे हैं और जनरल बोल रहा है कि वापस आ जाओ। अभी आ गए, आप लोग इनके काम देखो। अगर तो मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडर होता तो मुझे किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं थी और मैं खुद ही सामने वाली बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन अभी मुझे यार गाइस ये भी तो नहीं पता ना कि ये कितनी बड़ी है, इनके अंदर कितने बंदे हैं, इन वाली बैटलशिप्स के अंदर कितनी पावर्स हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये वाली बैटलशिप्स यहां पर पहुंच जाएंगी। और अगर एक दफा हम लोग का नेवी हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर उसके बाद लॉस सैंटोस को कोई भी नहीं बचा सकता है। मुझे फौरन से पहले जनरल से बात करनी होगी। और लॉस सैंटोस नेवी का कमांडर बनने के लिए भी मेरे ख्याल से यार गाइस मेरे पास यही मौका है। अभी अगर मैंने एक दफा जर्मन्स को अकेले डिफीट कर दिया तो फिर यार गाइस मैं बनने वाला हूँ लॉस सैंटोस नेवी का कमांडर। और अगर एक दफा मैं कमांडर बन गया तो फिर जनरल के बाद दूसरा लेवल तो मेरा ही होगा। ये सारे के सारे फाइटर जेट्स भी मेरे होंगे, मुझे नया घर भी मिलेगा, साथ में ढेर सारी सिक्योरिटी, गाड़ियां, टैंक, सब कुछ मिलने वाला है मुझे। लेकिन उससे पहले मुझे कमांडर बनना है और जनरल तो यहाँ पर है ही नहीं। मेरे ख्याल से जनरल अपने ऑफिस में होगा। फटाफट से इसके ऑफिस जाके देखता हूँ। हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना है और यहाँ से राइट होना था या फिर लेफ्ट, मेरे ख्याल से तो यही रास्ता है, ये रहा। जी सर क्या ऑर्डर्स हैं? हाँ बेटी, हम लोग को रिट्रीट करना होगा। क्या बोल रहे हो सर, हम कोई भगोड़े थोड़ी ना है। सामने 3 शिप्स आपने देखी नहीं और आप डर गए? हाँ बेटी, ये कोई ऐसी वैसी शिप्स नहीं है। और मैंने अपने कमांडर से भी बात की, उसने बोला कि वो इस वाले मिशन पे नहीं जाएगा। इतना नूबड़ा कमांडर भर्ती करने की क्या जरूरत थी सर? हम लोग को अभी इसी वक्त इस वाले नेवी हेडक्वार्टर को खाली करना होगा। नहीं सर, मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगा। आमेटी, तुम्हें हम लोग के साथ चलना होगा, नहीं तो मारे जाओगे। सामने 3 इतनी बड़ी बैटलशिप्स आ रही हैं। लेकिन आप लोग के पास भी तो बैटलशिप्स थी ना, वो किधर हैं? उन बैटलशिप्स को यहाँ पर आने में 1 घंटा लग जाएगा, हम लोग के पास टाइम नहीं है। अभी इसी वक्त हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। ठीक है सर, आप लोगों ने जाना है तो आप सब लोग जा सकते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आमेटी मेरी बात मानो, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। ठीक है सर, अगर आपने जाना है तो आप जाओ, लेकिन मैं सामने वाले तीनों के तीनों बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करूंगा, वो भी अकेले। नहीं आमेटी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम एक अकेले बंदे जर्मन आर्मी का मुकाबला कैसे करोगे? अबे सर, जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो यहीं पे रुकूंगा, मैं कहीं नहीं भागने वाला हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली वेट कर रही होगी, तुम्हें घर जाना होगा। मेरी फैमिली के अंदर तो एक छोटा भाई सिंचन और मेरा एक दोस्त चॉप है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है आमेटी, मेरी अपने छोटे भाई से बात कराओ, हो सकता है कि तुम उसकी बात मान लो। ठीक है सर, बेल जा रही है, अभी उठा लेगा। अरे हाँ, आप कहाँ पर हो? सिंचन, मैं नेवी के हेडक्वार्टर्स के अंदर हूँ और सामने जर्मन्स की 3 बैटलशिप्स आ रही हैं। अरे हाँ, मैं जर्मनी वालों की बैटलशिप्स हैं। हाँ सिंचन, जर्मनी वालों की बैटलशिप्स हैं और काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके अंदर से तोप भी निकल रही हैं। तो फिर हाँ, आप जल्दी से जाके उनको फोड़ दो। हाँ जनरल, सुना तुमने? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अरे अंकल, मेरा नाम तो सिंचन है। अपने भाई को बोलोगे अभी इसी वक्त घर वापस आए। लेकिन यार अंकल, आपने मेरे हामिद भाई को जॉब से निकाल दिया क्या? मैंने तुम्हारे भाई को जॉब से तो नहीं निकाला, लेकिन ये एक बेवकूफी कर रहा है। सामने जर्मन्स की 3 बैटलशिप्स है, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई बोल रहा है कि वो अकेला तीनों की तीनों बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करेगा। अरे हाँ यार अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे हामिद भैया बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो आप लोग के हेडक्वार्टर को बचा लेंगे। जी जनरल साहब, सुन लिया आपने, कॉल काटूं क्या? अरे नहीं हामिद, आप कॉल नहीं काटोगे। हामिद, आप मुझसे प्रॉमिस करोगे आप तीनों की तीनों बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करोगे? ठीक है सिंचन, मेरे भाई, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तीनों की तीनों बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करूंगा और जल्दी वापस आकर तुम लोग से मिलता हूँ। अच्छा ठीक है हामिद भैया, आते हुए पिज्जा और बर्गर लेकर आना। अच्छा ठीक है सिंचन, ले आऊंगा। हाँ तो जनरल, आपने मेरे छोटे भाई से बात कर ली क्या? हाँ बेटी, तुम्हारा छोटा भाई तो तुमसे भी ज्यादा बहादुर है। यही तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने जाना तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं नेवी के हेडक्वार्टर को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन तुम तो सिर्फ एक सोल्जर हो आमेटी, फिर भी इतने बहादुर। लेकिन सर अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं आपको? हाँ बोलो आमेटी। मेरे ख्याल से तो मैं सोल्जर ही ठीक हूँ, अच्छा है कि मैं लॉस सैंटोस नेवी का जनरल नहीं हूँ। मुझे माफ करना आमेटी, मुझे जाना होगा। ठीक है सर, आप लोग जा सकते हो। एक नंबर के भगोड़े यार गाइस, डरपोक हैं ये लोग, भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहीं पे भी नहीं भागने वाला हूँ यार गाइस, मैं तो यहीं पे रुकूंगा और यहाँ पे खड़े होकर सामने वाली बैटलशिप्स का मुकाबला करूंगा। पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर्स में यार गाइस मैं अकेला हूँ यहाँ पर। मुझे कुछ भी कहकर जर्मन्स को लॉस सैंटोस अंदर आने से रोकना होगा। और सामने की तरफ है 3 बैटलशिप्स, एक काम करता हूँ कि सबसे पहले ड्रोन निकालता हूँ और अभी धीरे धीरे मैं इन लोग के पास जाके देखता हूँ कि यार गाइस आखिर ये लोग हैं कौन। ऊपर फ्लैग्स तो मुझे जर्मनी के दिखाई दे रहे हैं यार गाइस, ये हैं तो जर्मनी के लोग, मगर ये लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक करने का सोच
सोच रहे हैं इन लोग की बैटल शिप्स भी काफी ज्यादा बड़ी हैं और धीरे धीरे ये हम लोग के पास आ रही हैं। लेकिन यार गाइस पहले मुझे इन लोग को देखना होगा। आर्मी तो यहाँ पे काफी ज्यादा है और ये वाली शिप डिफरेंट है, ये वाली डिफरेंट है और ये वाली भी डिफरेंट है। अभी मुझे ये नहीं पता कि इन लोग का जनरल किधर होगा। मेरे ख्याल से तो इनका जनरल इस वाली बोट के अंदर होगा। बल्कि नहीं यार गाइस, बोट नहीं, ये तो पूरी की पूरी शिप है। और ये आप लोग देख रहे हो कि गाइस हिटलर का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक सेकंड, इन लोगों ने मेरे ड्रोन को देख लिया है। मुझे फौरन से पहले यहाँ से निकलना है इससे पहले कि ये लोग मेरे ड्रोन को तोड़ दें। मुझे फुल स्पीड में अपने ड्रोन को यहाँ से भगाना होगा। आर्मी तो यार गाइस वाकई में काफी ज्यादा है और मुझे इन लोग को रोकना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इन लोग को रोकूंगा किस तरह। इन लोग की बैटल शिप भी मेरे ख्याल से तो अनडिफीटेड है, मगर मुझे कुछ भी करके इन लोग को रोकना होगा और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नेवी हेडक्वार्टर्स वालों के पास कौन कौन से वेपन्स हैं। एक काम करता हूँ कि जल्दी से पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर को एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पर एक टैंक तो खड़ा हुआ है और एक सेकंड, ये क्या चीज है, मैं इसको उड़ा सकता हूँ क्या? फटाफट से इसके अंदर बैठ के देखता हूँ। अबे हाँ यार गाइस, ये उड़ सकता है, काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है। बट हम लोग इसको चलाएंगे किस तरह? ओके तो यार गाइस ये इस तरह नहीं चलेगा। अबे क्या था मैं अभी, लेकिन मुझे इसको पहले धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और ये इस तरह चलेगा। यार गाइस मैं समझ गया, इसको चलाना मैं सीख गया हूँ। लेकिन अभी अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके गया तो फिर तो यार गाइस जर्मन मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल के लिए तो मुझे इसको यहीं पे पार्क करना होगा। एक काम करता हूँ कि फौरन से पहले इसको नीचे लेके जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको आगे लेके जाना है। यहाँ पे मैं इसको खड़ा कर देता हूँ। ओपी चीज है यार गाइस, हम लोग के काम आने वाली है, बट अभी हम लोग को ये नहीं चाहिए। यहाँ पर एक टैंक भी खड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये टैंक पानी में तो चलेगा नहीं। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे और कुछ देखता हूँ, नीचे भी टैंक दो खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जो छोटा टैंक है ये पानी में भी चलता है। हाँ यार गाइस, ये वाला टैंक पानी में चल सकता है। अभी इसको लेके जाऊँ क्या? बल्कि नहीं यार गाइस, अभी इसको नहीं लेके जाऊंगा। अभी मुझे वापस से ऊपर जाना है और फटाफट से ये वाला फाइटर जेट उठाता हूँ। इस वाले फाइटर जेट के अंदर रॉकेट्स हैं क्या? नहीं यार गाइस, ये तो सिर्फ और सिर्फ गोलियां हैं। और ये मिसाइल्स हैं यार गाइस, मिसाइल्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर और क्या चीज है यार गाइस? गोलियां हैं और साथ में मिसाइल्स हैं। ओपी यार गाइस, ये वाला फाइटर जेट मेरे काम आ जाएगा। अभी टाइम आ चुका है जर्मन्स के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का। यार गाइस फाइनली आज ये लोग बचेंगे नहीं। सबसे पहले मैं इन लोग के करीब जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि ये लोग मेरे फाइटर जेट को भी फोड़ देंगे। हाँ वैसे यार गाइस मुझे लगता है कि ये लोग फोड़ देंगे, लेकिन साथ में मुझे भी इनके ऊपर तोप चलानी होगी। फाइनली यार गाइस लगता है कि एक बैटलशिप गई। नहीं 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 यार गाइस, ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये लोग मेरे ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे हैं। मुझे अपने फाइटर जेट को बिल्कुल ऊपर लेके जाना है और अभी यहाँ से यू टर्न लूंगा। फटाफट से इसके ऊपर अटैक करता हूँ। एक तोप तो मैंने इसको मार दी गया, लगता है कि गई यार गाइस। बैटलशिप एक तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी है मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है। इस वाले फाइटर जेट को उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और फिर दोबारा से इन लोग के ऊपर मैं एयर स्ट्राइक करने वाला हूँ। बचेंगे नहीं यार गाइस, इन लोगों ने हम लोग से पंगा लेके काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। एक दफा अगर ये लोग मेरे टारगेट में आ गए तो फिर यार गाइस मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं। रॉकेट तो मैं इन लोग को काफी ज्यादा मार रहा हूँ, मगर पता नहीं क्यों इन लोग की शिप्स को लग नहीं रहा है। और एक सेकंड, मेरा फाइटर जेट ही लग गया इन लोग को। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से उतरना होगा। हाँ यार गाइस मुझे यहाँ से उतरना होगा। लेकिन निकल गया यार गाइस, हम लोग का फाइटर जेट निकल गया। मुझे लगा था कि मैं फंस गया हूँ, बट नहीं यार गाइस मैं निकल गया हूँ। बाल बाल बचे यार गाइस, अभी मैं मरने वाला था लेकिन मैं बच गया। मेरे ख्याल से तो मैंने काफी ज्यादा आर्मी को डिफीट कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से जाके देखता हूँ। अगर तो आधे सोल्जर्स को भी मैंने डिफीट कर दिया ना, तो फिर बाकियों को तो मैं जाके मार दूंगा। अभी दोबारा से फाइटर जेट को वापस मोड़ता हूँ और यहाँ पे जाके मुझे स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना है। साथ में ढेर सारे रॉकेट्स भी मार रहे हैं यार गाइस। मैं रॉकेट्स तो मार रहा हूँ इन लोग को, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोग को कुछ हो नहीं रहा है। एक रॉकेट गया सीधा सामने वाले बंदे के पास और लगता है कि गया यार गाइस। सामने वाला बंदा मेरे ख्याल से तो गया काम से। और अभी मुझे लगता है कि टैंक को उठाने की बारी आ गई है। काफी ज्यादा आर्मी को तो मैंने ऑलरेडी डिफीट कर दिया है और मेरे ख्याल से अभी टैंक उठाने की बारी आ गई है। मगर मैं एक स्ट्राइक और करूंगा अपने फाइटर जेट को। मुझे बिल्कुल सही तरीके से कंट्रोल करना है। मैं रॉकेट्स तो काफी ज्यादा मार रहा हूं और मेरा फाइटर जेट गया काम से। एक सेकंड, निकल गया यार गाइस, बाल बाल बचे। एयर स्ट्राइक करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं साथ में वेपन्स भी चला रहा हूँ। और सिर्फ वेपन्स नहीं, मैं साथ में इतना ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट भी उड़ा रहा हूँ। तो ये दोनों की दोनों चीजें साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यार गाइस अभी टाइम आ चुका है गोलियां चलाने का। फटाफट से इन लोग को गोलियां मारता हूँ। अब तक तो इन लोग को मर जाना चाहिए था और काफी ज्यादा मर गए हैं, मगर थोड़े से अभी तक जिंदा है। अभी क्या करूँ, सामने से टैंक लेकर आऊँ या फिर नहीं? बल्कि नहीं यार गाइस, टैंक को लेकर आने की क्या जरूरत है। मेरा ये वाला फाइटर जेट ही इन लोग के लिए काफी रहेगा। और अभी टाइम आ चुका है इस वाली शिप के ऊपर लैंड करने का। मगर एक सेकेंड, मैं गया नीचे, टर्बो ऑन करना होगा मुझे। मगर वेट यार गाइस, निकल तो गया है। मेरे ख्याल से मेरा फाइटर जेट निकल गया, बट नहीं यार गाइस, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अभी मुझे जो भी करना होगा यार गाइस, पैदल ही करना होगा। बल्कि नहीं, पैदल नहीं, पानी के अंदर से मुझे जाना होगा स्विम करके। मैंने इन लोग की काफी ज्यादा आर्मी को तो मार दिया, बट यार गाइस अभी टाइम आ चुका
चुका है ऊपर जाने का, और मुझे पता है जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा ये लोग मुझे छोड़ने नहीं वाले हैं। अभी जंप करने के लिए मुझे कोई जगह ढूंढनी है, ये वाली जगह तो काफी ज्यादा ऊपर है, मैं यहाँ से तो ऊपर नहीं जा सकता हूँ। और एक सेकंड यार गाइस, ये लोग तो बहुत बुरे तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस वाली शिप के ऊपर मैं नहीं जा सकता यार गाइस, ये काफी ज्यादा ऊंची है, मुझे ऊपर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एक काम करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाता हूँ, और फाइनली यार गाइस मैं ऊपर तो आ गया, लेकिन अभी ये सारे के सारे लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक काम करता हूँ कि एक एक करके इन सब लोग को पेलता हूँ, बहुत ज्यादा यार गाइस, बिलीव मी ये लोग बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा लोगों को तो मैंने पहले ही मार दिया था, मगर थोड़े से अभी भी जिंदा है। क्या करूं, बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं ये लोग मेरे ऊपर, और मेरे ख्याल से इन लोग की बैटल शिप्स को कोई भी नहीं डिफीट कर सकता है। अभी मुझे पहले इसको डिफीट करना होगा, और जल्दी से मैं इसको एक हेडशॉट मारता हूँ, ये तो गया काम से, मगर यहाँ पर और भी काफी ज्यादा, एक इसके ऊपर खड़ा हुआ है, फटाफट से इसको भी मारता हूँ, गया ये भी। अभी मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना है यार गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा है, जर्मन्स को मारना इतना आसान नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी इस वाली शिप से मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना है ताकि मुझे सब कुछ सही से दिखाई दे, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा है, एक दफा मुझे कोई दिखाई दे गया ना तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मगर ये लोग तो सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक है यार गाइस, मेरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बल्कि मेरी नहीं, जिस शिप के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये डिस्ट्रॉय होने वाली है। एक दफा अगर मुझे सही सा निशाना मिल गया तो मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन नहीं यार गाइस, ये लोग छोड़ नहीं रहे, स्नाइपर से मैं इन लोग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ। एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मेरी स्नाइपर एक जगह पे रुक नहीं रही है, तो इसलिए मुझे वापस से असॉल्ट राइफल को निकालना है। और किधर गया यार गाइस, एक बंदा सामने दिखा तो था मुझे, मगर दोबारा गायब हो गया, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। एक काम करता हूँ कि नीचे उतरता हूँ, ये लोग पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान ऑलरेडी बना के आए हैं यहाँ पर। अगर तो मुझे यहाँ कहीं से रॉकेट लॉन्चर मिल गया तो फिर यार गाइस मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी मुझे फौरन से पहले रॉकेट लॉन्चर को ढूंढना है, और रॉकेट लॉन्चर को यहाँ पर होना तो चाहिए, बट यार गाइस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ भी करके मुझे इनको मारना होगा यार गाइस, मुझे ये दिखाई भी तो नहीं दे रहे हैं, पता नहीं किधर हैं ये लोग, पूरी की पूरी बैटल शिप को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यार गाइस। अभी ये वाली शिप जाएगी पानी के अंदर, मुझे पता है यार गाइस ये वाली शिप पानी के अंदर जाएगी। एक बंदा मुझे दिख गया है, और मैं इसको गोलियां भी मार रहा हूं, मेरे ख्याल से तो ये गया काम से। क्या यार गाइस, फाइनली एक तो मर गया है, एक आर्मी वाले को तो मैंने मार दिया, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी है, मुझे सबसे पहले इन लोग की लोकेशन ढूंढनी होगी, उसके बाद मैं इन लोग के ऊपर अटैक करूंगा, मगर नहीं दिखाई दे रहे यार गाइस, पता नहीं कहाँ से रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं मुझे। एक काम करता हूँ कि ड्रोन निकालता हूँ, यहाँ पर खड़े होके मुझे इन लोग की लोकेशन देखनी है। ये बंदा तो मैंने मार दिया है, बाकी भी मर गए, यहाँ पर दो तीन बंदे खड़े हुए थे, वो भी अभी नहीं है, तो फिर है कौन यार गाइस, यहाँ पे खड़े हुए तीन बंदे, इन तीनों को मुझे मारना है। और एक सेकंड, एक बंदा यहाँ पे ऊपर भी खड़ा हुआ है, नहीं बचेगा यार गाइस, ये भी नहीं बचेगा, मगर सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है यार गाइस, पीछे वाली शिप के ऊपर भी काफी ज्यादा बंदे हैं, लेकिन पहले मुझे इस वाली शिप के बंदों को मारना है, उसके बाद मैं पीछे जाऊंगा। एक दो तीन और चार लोग यहाँ पर हैं, मैंने इन तीनों की लोकेशन तो देख लिया, और यार गाइस गया, एक तो गया काम से, ये जो यहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ था ये तो मर गया है, और बाकी के तीन खड़े हुए यहाँ पर, फटाफट से इन लोग को भी पेलता हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्नाइपर नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर एक ही गन है, स्नाइपर निकालूंगा तो वो काफी ज्यादा हिलेगी। और गया यार गाइस, फाइनली दूसरा भी गया, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग के निशाने काफी ज्यादा पक्के हैं। और यार गाइस यहाँ पे ये एक बचा है, और मेरी गन की ज्यादा रेंज नहीं है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी गया यार गाइस, फाइनली सामने वाली शिप के सारे सारे बंदों को मैंने मार दिया है, मगर अभी मुझे जाना है इससे पीछे वाली शिप के अंदर, और वहां तक जाने के लिए मुझे पानी का रास्ता चूज करना होगा। लेकिन दूसरी वाली शिप के अंदर जाने से पहले मुझे इस वाली शिप को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करना है, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ढेर सारे स्टिकी बॉम्ब्स को। थोड़े से स्टिकी बॉम्ब्स को यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़े से यहाँ पे लगाता हूँ। इस वाली शिप का इंजन किधर है गाइस? अगर तो मैंने इंजन को फोड़ दिया तो ये वाली शिप जाएगी पानी के अंदर। इस पूरी की पूरी शिप को मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, और स्टिकी बॉम्ब मैंने बिल्कुल सही जगह पर लगाना है, ये वाली जगह भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब को फोड़ने का फायदा नहीं है, मुझे सही जगह ढूंढनी होगी। और एक सेकेंड, ये भाई साहब यहाँ पे किसका वेट कर रहे हैं? मुझे फटाफट से इसको भी पेलना होगा, ये भी गया काम से। अभी बारी है स्टिकी बॉम्ब्स को लगाने की, मैंने काफी ज्यादा स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं, मगर एक सेकेंड लगता है कि मैं गया, बट नहीं यार गाइस, मैं जिंदा हूँ अभी तक, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं गिव अप तो नहीं करने वाला हूँ। एक स्टिकी बॉम्ब को यहाँ पर भी लगा देता हूँ, दूसरे स्टिकी बॉम्ब लगाता हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से आ गया इतना काफी रहेगा इस बोट को डुबाने के लिए। तो यार गाइस अभी टाइम आ चुका है इस वाली बोट को डिस्ट्रॉय करने का, 3-2-1 लेट्स गो। यार गाइस मैंने ब्लास्ट कर दिया है, और अभी मेरे ख्याल से ये वाली शिप डूबेगी। हाँ यार गाइस, ये वाली शिप अभी थोड़ी देर में डूबने वाली है, मुझे फटाफट से सामने वाली शिप के अंदर जाना है, काफी ज्यादा खतरनाक मिशन है यार गाइस। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद हो सकता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन यार गाइस ये नेवी के और स्पेशल फोर्सेस के मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर हम लोग कर लेंगे यार गाइस, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, मुझे पता है कि मैं इन लोग को डिफीट कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे
सबसे पहले इस वाली शिप के ऊपर जाना होगा। और इस वाली शिप के तो सारे के सारे बंदों को मैंने ऑलरेडी डिफीट कर दिया है, लेकिन ये जो सामने वाली शिप है यार गाइस, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बंदे हैं। एक काम करता हूँ कि पहले इस वाली शिप के ऊपर जाता हूँ। मुझे तो यार गाइस एक बात समझ में नहीं आ रही है, लोग गोलियों से फाइट करते हैं लेकिन ये लोग तो सीधा सीधा रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं। गया यार गाइस, दो तो मर चुके हैं, तीसरा भी गया और अभी चौथा भी गया यार गाइस। फाइनली ये लोग मर चुके हैं। यहाँ पे चार बंदे खड़े हुए थे और मैंने उन चारों को मार दिया। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे और तो कोई भी नहीं है। नहीं यार गाइस, सामने वाली शिप में और कोई भी नहीं है। फटाफट से ड्रोन निकाल के देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर एक दो तीन चार को तो मैंने मार दिया है, अभी और कोई तो नहीं है यहाँ पर। फटाफट से चेक कर लेता हूँ। नहीं यार गाइस, मेरे ख्याल से बस चार ही थे, बाकियों को तो मैंने एयर स्ट्राइक से ही मार दिया था। यहाँ पे बस ये मेरे ख्याल से पांच छह ही बचे थे और इन लोग को मैंने गोलियों से मार दिया। लगता है कि ये सब लोग मर चुके हैं। मगर एक सेकेंड, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और ये मेरी शिप के अंदर ही है। फटाफट से इसको भी पेलता हूँ, बल्कि नहीं इसको मैं मारूंगा नहीं, इससे मैं पूछूंगा कि इन लोग का जनरल किधर है। जर्मन नेवी के जनरल को मैं लेके जाऊंगा अपने नेवी के हेडक्वार्टर्स के अंदर और वहां पे जाके उससे पूछताछ करूंगा। और एक सेकंड यार गाइस, ये रहा, बंदूक निकालने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा तुम्हें। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हम लोग से पंगा लेकर। चुपचाप बताओगे तुम्हारा जनरल कौन है। और एक सेकंड, मुझे तो तुम जनरल लग रहे हो, बताओ तुम्हारा जनरल किधर है। जर्मन से पंगा लेके तुम बहुत पछताओगे, हम लोग की बैटलशिप्स को तो तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन लॉस सैंटोस को तुम नहीं बचा पाओगे। क्या मतलब लॉस सैंटोस को नहीं बचा पाऊंगा? थोड़ी देर के अंदर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। अबे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मतलब लॉस सैंटोस को नहीं बचा पाऊंगा, और क्या प्लान है तुम्हारा? ये बात तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगी। कभी भी पता नहीं चलेगी तो तुम भी नहीं बचोगे। अभी चुपचाप मुझे बताओ कि तुम लोग का क्या प्लान है। मेरे पांव पे गोली मत मारो। एक पांव तो तुम्हारा गया काम से, अभी दूसरे पांव पे भी गोली मारने वाला हूँ। मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। अबे यार गाइस, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लगता है कि मुझे तुम्हारे हाथ भी तोड़ने होंगे। अच्छा अच्छा रुको, बताता हूँ। हाँ बताओ क्या प्लान है तुम लोग का। लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के अंदर एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर ढेर सारे बॉम्ब्स हैं। लॉस सैंटोस एयरपोर्ट में गाड़ी? तुमने सही बोला, उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक बॉम्ब्स हैं जो कि 5 मिनट के अंदर फट जाएंगे, फिर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे होते हुए लॉस सैंटोस को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन सामने वाली शिप को देखता हूँ कि वो डूबी है या फिर नहीं। मेरे ख्याल से तो गई यार गाइस, आधी शिप चली गई है पानी के अंदर, बाकी की आधी भी चली जाएगी। ये वाली शिप तो डिस्ट्रॉय हो गई है और ये वाली शिप मैं खुद लेके जाऊंगा नेवी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, मगर साथ में मुझे सामने वाली शिप को भी डिस्ट्रॉय करना है। मगर अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, एक काम करता हूँ कि ये वाली शिप लेके जाता हूँ सीधा नेवी हेडक्वार्टर्स के अंदर और वहां पे जाके फाइटर जेट को उठा के सीधा जाऊंगा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट, क्योंकि यार गाइस मुझे लॉस सैंटोस को भी बचाना है। अभी पता नहीं ये वाली शिप चल भी पाएगी या फिर नहीं, मेरे ख्याल से तो यार गाइस ये चलेगी, मुझे इसको चलाना होगा। साइज में तो ये काफी ज्यादा बड़ी है और चल रही है यार गाइस, धीरे धीरे ये वाली शिप चल रही है, मगर इसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं है यार गाइस। मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ेगी। देखने में तो यार गाइस ये बहुत ज्यादा ओपी है और चलने में भी मस्त है यार गाइस, चलने में भी अच्छी है। जर्मन आए थे लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन यार गाइस मैंने इन लोग की बैटलशिप को चुरा लिया। और ये वाली बैटलशिप तो हम लोग की नेवी हेडक्वार्टर से भी ज्यादा बड़ी है। हाँ यार गाइस, ये वाली बैटलशिप काफी ज्यादा बड़ी है। मैं अभी आप लोग को ये वाली बैटलशिप अपने नेवी हेडक्वार्टर के साथ खड़ी करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि यार गाइस ये साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है। मगर अभी ये भी हम लोग की नेवी के अंदर आ चुकी है और अभी आप लोग इसका साइज देखो, हम लोग की नेवी हेडक्वार्टर जितनी तो नहीं है मगर ज्यादा छोटी भी नहीं है यार गाइस, ओपी है, बहुत ज्यादा ओपी है। अभी एक काम करता हूँ कि इसको यहीं पे पार्क करता हूँ और फौरन से पहले हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट लेके जाता हूँ अपने एयरपोर्ट के अंदर। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है यार गाइस, मुझे जो भी करना है बहुत जल्दी करना है, नहीं तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बचाना होगा यार गाइस, मुझे अकेले लॉस सैंटोस को बचाना होगा। और एयरपोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, साथ में इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर टर्बो भी है तो हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यार गाइस, फौरन से पहले मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मगर एक सेकंड यार गाइस, ये वाला हेलीकॉप्टर 500 की स्पीड में उड़ रहा है, ओपी है यार गाइस, काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि वो वाली गाड़ी किधर है जिसके अंदर बॉम्ब्स हैं। मुझे फौरन से पहले उस वाली गाड़ी को ढूंढना है, उसके बाद उस वाली गाड़ी को उठा के सीधा पानी के अंदर फेंक दूंगा। हाँ वैसे यार गाइस अभी तो मुझे यही करना होगा, मगर वो गाड़ी है किधर, यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, गाड़ी तो यही कहीं पर होगी और मुझे इस वाली गाड़ी को ढूंढना होगा। थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, टाइम बहुत कम है मेरे पास, किसी टाइम भी पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो सकता है। और एक सेकंड, यहाँ पर ये दो गाड़ियां घूम तो रही हैं,
मगर वेट यार गाइस, ये तो नॉर्मल गाड़ी है। मुझे यहाँ पे ऐसी गाड़ी ढूंढनी है जिसके ऊपर बॉम्ब्स लगे हुए हों। कहाँ पर है गाड़ी यार गाइस? गाड़ी मुझे पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रही है, मुझे उसको ढूंढना होगा नहीं तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे फौरन से पहले पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बचाना है। लेकिन अभी गाड़ी को मैं ढूंढूंगा कहाँ पर, एक दफा मुझे गाड़ी मिल गई तो हम लोग का काम हो जाएगा। एक काम करता हूँ कि हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और अभी यहाँ से मुझे अच्छे से देखना होगा। यहाँ कहीं पर तो कोई भी मुझे मिसाइल वाली गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ। पीछे वाली पूरी की पूरी जगह मैंने देख ली है, अभी मुझे ये वाली जगह देखनी होगी। और एक सेकेंड ये क्या चीज है? हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। मेरे ख्याल से तो यही है वो गाड़ी। हाँ वैसे यार गाइस, यही है वो गाड़ी और इसका कलर भी ब्लैक है। मेरे ख्याल से जर्मन्स ने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है। और एक सेकेंड, ये गाड़ी नहीं, ये तो पूरा का पूरा ट्रक है। और ये रे यार गाइस, मिसाइल भी है इसके अंदर, लेकिन अभी मुझे इसको उठाना होगा। लेकिन ये वेट में काफी ज्यादा भारी है, मुझे तो लगता है कि ये मेरे हेलीकॉप्टर को भी क्रैश करेगी। हाँ यार गाइस, मुझे लगता है कि ये मेरे हेलीकॉप्टर को भी क्रैश कर देगी, मगर इसके अंदर काफी ज्यादा मिसाइल्स हैं। मुझे फौरन से पहले अपने हेलीकॉप्टर को पानी के बीच में लेके जाना है, इससे पहले कि ये वाली गाड़ी डिस्ट्रॉय हो मुझे इसको पानी के बीच में लेके जाना है। मगर गाइस, मैं अपने हेलीकॉप्टर को नहीं कंट्रोल कर सक रहा हूँ, मैं अपने हेलीकॉप्टर को बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस वाली गाड़ी का वेट काफी ज्यादा है यार गाइस, मैं इसको नहीं उठा सकता। मगर मुझे करना होगा, मुझे कुछ भी करके इसको उठाना तो होगा, मगर नहीं यार गाइस, नहीं उठ रही। इस वाली गाड़ी का वेट काफी ज्यादा है, मुझे इसको सही से उठाना होगा, बट यार गाइस मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे हेलीकॉप्टर का ज्यादा वेट नहीं है, मगर एक सेकंड, अगर तो मैं इसको बीच में से उठाऊंगा ना, फिर मेरे ख्याल से ये उठ जाएगी। मेरे ख्याल से तो ये वाली जगह ठीक है, अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट सेंटर से उठा लिया है। ये वाला ट्रक साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, मेरे पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को घुमा रहा है। लेकिन मुझे अभी इसको यहाँ पे पानी में फेंकना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है यार गाइस, मुझे इसको पानी में फेंकना होगा। 3, 2, 1 लेट्स गो यार गाइस, ये गया पानी में। मगर एक सेकंड, अबे यार गाइस, ये फट कैसे गया? ये वाला ट्रक तो फट गया और मेरा हेलीकॉप्टर भी गया पानी में। मगर यार गाइस, मैंने बचा लिया, मैंने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बचा लिया है। एक सेकंड भी अगर मैंने देर की होती तो यार गाइस, ये वाला ट्रक एयरपोर्ट में ही फट जाता। बच गए यार गाइस, बाल बाल बचे। मगर एक सेकंड, जनरल की कॉल आ रही है। हाँ बेटी, तुम किधर हो और ये ब्लास्ट कैसा था? सर आप फिक्र मत करो, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस सेफ है। हाँ बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम कर पाओगे। लेकिन सर आप किधर हो? मैं नेवी के हेडक्वार्टर्स में हूँ, जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे काम है। अच्छा ठीक है सर, आ रहा हूँ। अभी जनरल को मुझसे पता नहीं कौन सा ही काम होगा, फटाफट से नेवी हेडक्वार्टर जाके देखते हैं कि क्या बात करनी है इसने। हाँ बेटी, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। सर शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप लोग को भागना नहीं चाहिए था। हाँ बेटी, मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि तुम अकेले ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। ये काम ना ही लॉस सैंटोस नेवी की बस की बात थी और ना ही मिलिट्री की, लेकिन हाँ बेटी, तुमने अकेले कर दिखाया। हाँ सर, वो क्या है ना कि अभी मुझे अपनी तारीफें सुनने का शौक नहीं है, मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। और वैसे भी मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर हूँ, अभी मुझे काफी ज्यादा देर हो रही है, सेंचन और चौप मेरा वेट कर रहे होंगे। और आप एक काम करो कि ये सामने जो जर्मन्स की बैटल शिप है ये भी आप रख लो। हाँ बेटी, तुम्हें पता है कि ये वाली बैटल शिप कितने की है? अभी सर जितने की भी है मेरे काम की तो नहीं है, आप रख लो। हाँ बेटी, ये वाली बैटल शिप 1,00,000 करोड़ की है। अच्छा 1,00,000 करोड़ तो काफी ज्यादा होते हैं, मुझे इन लोग को ये वाली बैटलशिप नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन खैर मेरे काम की तो नहीं, अगर मैं ये किसी को सेल भी करता तो वो आज या फिर कल दोबारा आके लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक कर लेता, तो लॉस सैंटोस नेवी के पास ये वाली शिप रहेगी वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। कमांडर साहब मेरी बात तो सुनो। है कमांडर साहब कौन है? हाँ बेटी, आज के बाद तुम लॉस सैंटोस नेवी के कमांडर हो। लॉस सैंटोस नेवी का कमांडर? क्या सच में? हाँ हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम लॉस सैंटोस नेवी के कमांडर हो। अच्छा ये तो काफी अच्छी बात है, तो मुझे क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले हाँ बेटी, तुम्हें 3 यूनिफॉर्म मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी अपनी पर्सनल गाड़ी मिलेगी और साथ में तुम्हें तुम्हारी पर्सनल बोट भी मिलेगी। अच्छा एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुको, कॉल आ रही है। अरे हाँ, आप कहाँ पर हो? सिंचन मैं बस घर आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक है ना? अरे नहीं हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे, आपको जल्दी से घर पे आना होगा, यहाँ पे पता नहीं कौन लोग आ चुके हैं। क्या बात कर रहा है, कौन लोग आ गए? अरे हाँ मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जर्मनी से आए हैं। जर्मनी से आए हैं, इसका मतलब कि जर्मन आर्मी मेरे घर पहुँच गई है। सिंचन मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बेटी, अपनी चीजें तो लेके जाओ। सर वो क्या है ना कि चीजें सारी की सारी आप अपने पास रखो, मैं कल आके रिसीव कर लूंगा, मुझे अभी अपने घर जाना है। हाँ बेटी सब ठीक तो है ना? अबे नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बताओ तो सही, हाँ बेटी क्या हुआ? सर मेरे घर के ऊपर जर्मन ने अटैक कर लिया, मुझे फौरन से पहले अपने घर वापस जाना होगा। हाँ बेटी, सारे के सारे सोल्जर्स तुम्हारे साथ जाएंगे, फिक्र मत करो, तुम्हारे बहादुर भाई सेंचन को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर, मुझे फौरन से पहले निकलना होगा। और अभी किस तरह जाऊंगा, एक काम करता हूँ कि फाइटर जेट लेके निकलता हूँ। आप सब लोग गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोग से मिलता हूँ सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।